उसकी खेत में पैदा किया हुआ अन्न राजधानी में आ सकता है सब्जी दूध मक्खन आ सकता है लेकिन पैदा करने वाला किसान और उसका ट्रैक्टर नहीं आ सकता मैं समझता हूँ इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता वो आतंकवादी नहीं था देश की सरकार ने बैठे सरकार सरकारों में बैठे हुए लोगों ने जिस जिस शब्दों से नवाजा ये माओवादी हैं ये आतंकवादी हैं ये किराए के हैं ये किसान हैं ही नहीं जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जिस तरह से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई क्या आज दिल्ली पुलिस देश की सरकार के अंडर में वो कहती है कि ट्रैक्टर आज भी उस नई दिल्ली में नहीं आ सकता जब बड़े-बड़े गाड़ी आ सकते हैं बड़े बड़े वाहन आ सकते हैं तो किसान तो का ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता अन्न को पैदा करने वाला वो साधन ट्रैक्टर है वो दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता क्या ट्रैक्टर बम है लेकिन ये काले कानून हैं जिनके कारण और विशेष तौर से अग्निवीर और ये किसान आंदोलन निश्चित रूप से उसका जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 300 पार भी नहीं हुए अहम एक है कि इस सरकार की जो जनविरोधी नीतियां और जो कुशासन में जो काले कानून बने हैं उनके खिलाफ सड़क पे भी संघर्ष होगा और संसद में भी संघर्ष होगा और ये सब मिलके करेंगे और जो जनता से वायदे करके वादा खिलाफी करेगा उसको संसद से सड़क पर लाने का काम भी करेगी और सत्ता से बाहर करने का काम भी तो देश छोड़ के भाग गए उनका कर्जा माफ कर रहे हैं जब तो देश विकास कर रहा है और अंधाता जो तो रोटी पैदा कर रहा है इनकी नीतियों से जो तो कर्जा हो गया उसका कर्जा माफ करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता उनका तर्क हेलो एंड वेलकम टू आर वीकली टॉक शो इंटरव्यू एंड स्पेशल सेगमेंट Coffee on Sunday. More than taking oath as an MP, he made news because he drove to Parliament in a tractor. He wanted to make a point. For three months, the government banned the entry of tractors in Delhi. Today, I drove to Parliament in one, is what he said. The man is none other than Amra Ram. The newly elected Member of Parliament. A farmer himself, he is among those who has fought the cause, leading from the front. Amra Ram here with us in this edition of Coffee on Sunday. Welcome to the show, Mr. Amra Ram, and thank you for being here with us.

और उसके खिलाफ पूरे देश का अंदाजा था जिसमें पाँच सौ किसान संगठन थे तमाम के झंडे अलग थे डंडे अलग थे नेता अलग थे लेकिन ए, समस्या एक थी काले कानून और उसके खिलाफ छब्बीस जून को दिल्ली चलो का आह्वान किया और दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों को रोक दिया गया कि न दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में न किसान जा सकता है और न किसान का ट्रैक्टर जा सकता है मैं समझता हूँ इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता जो आज पैंसठ प्रतिशत इस देश की मतदाता भी किसान है और किसान से जुड़ा हुआ खेत मजदूर है और उसको इस देश की राजधानी में नहीं आने दिया जाए उसकी खेत में पैदा किया हुआ अन्न राजधानी में आ सकता है सब्जी दूध मक्खन आ सकता है लेकिन पैदा करने वाला किसान और उसका ट्रैक्टर नहीं आ सकता इसलिए तेरह महीने बाद देश की सरकार ने अन्नदाताओं से माफी मांगकर काले कानून वापस लिए और 9 दिसंबर 2021 को लिखित में दिया उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा इसलिए जब जनता ने मुझे दिल्ली भेजा है तो तय रूप से जो किसान और किसान के ट्रैक्टर को दिल्ली नहीं आने दे रहे थे निश्चित रूप से उसी ट्रैक्टर पे वही किसान जो तेरह महीने सड़क पे बैठा था वो देश की संसद में रोकने वाले उस नरेंद्र मोदी के साथी पे ही जा रहा था इसलिए ट्रैक्टर लेके गया और अमराराम भी गया वो संसद में भी गया उनको किस तरह से रोकते हैं इसलिए उसका जवाब देने के लिए ट्रैक्टर पे गया पर ये आइडिया आपको कैसे आया क्यों आया और कब आया नहीं ये इसलिए आया कि तेरह महीने सर्दी गर्मी बरसात तूफान सब में किसान वो आतंकवादी नहीं था देश की सरकार ने बैठे सरकारों में बैठे हुए लोगों ने जिस जिस शब्दों से नवाजा ये माओवादी हैं ये आतंकवादी हैं ये किराए के हैं ये किसान है ही नहीं और चाइना और पाकिस्तान से चाइना और पाकिस्तान ले रहे। से सह पे आंदोलन कर रहे हैं जबकि देश का अन्दाता था इसलिए तय रूप से जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जिस तरह से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई मैं समझता हूँ हर हथियार अपनाया लेकिन इस देश का एक किसान संगठन और एक किसान नेता भी देश की सरकार नहीं तोड़ पाई और आखिर ये सोचते थे कि परेशान होकर के चले जाएंगे लेकिन देश की सरकार को झुका के ही वापस गए लेकिन आज भी वो एमएसपी का मुद्दा सामने करा जिसको लिख के दिया था इक्कीस से चौबीस आ गया लेकिन आज एक कदम नहीं दो हजार चौदह में यही वादा करके आए थे स्वामीनाथन के अनुसार हम देश के किसानों को एमएसपी देंगे आज तक नहीं दिए उस पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं पर ये जो बात सरकार ने कही या अपशब्द इस्तेमाल किए कि चाइना और पाकिस्तान से सहयोग मिला और एक ये प्रश्न उठता है कि जो आंदोलन इतनी देर चला उसको फाइनेंस किसने किया कहाँ से इतना पैसा आया कि तीन महीने तक और उसके बाद भी ये संघर्ष चलता रहा तो ये एक सवाल लोगों के मन में उठा कि इन इस मूवमेंट को किसने फाइनेंस किया बाकी कोई फाइनेंस किसी ने फाइनेंस नहीं किया और वो अंदाता है वो बड़े बड़े अंग्रेजों को दुखाने का काम किया राजा और नवाबों को दुखाने का काम किया है कोई फंडिंग विदेशी फंडिंग नहीं थी देश की आज़ादी दिलाने वाले बोए थे देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों पे चुनने वा फंदा चुनने वाले भी वही किसानों के बेटे थे मेरा प्रश्न ये वही किसान था यह कि घर से उसने अपना अनाज दिया है पैसा दिया है खुद अपना ट्रैक्टर लेके आए वो कोई होटलों में नहीं ठहरे हैं वो सड़क पे ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे और ट्रॉली के अंदर सोए हैं तूफानों का मुकाबला किया है इसलिए वो जब 140 करोड़ के लिए रोटी सब्जी मखन पैदा कर सकता है तो उसके अपने लिए लड़ने के लिए और ये तो एक साल तक लड़े हैं बाकी तेरह दिन तो आठ दिन बहुत सी दफा किसानों ने ये लड़े और ये सबसे ऐतिहासिक आंदोलन ट्रैक्टर की बात पर आए आप अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि वो ट्रैक्टर पार्लियामेंट के अंदर अलाउ नहीं हुआ और आपको फिर उतर पैदल जाना पड़ा नहीं ये हमारी जिद नहीं थी कि ट्रैक्टर संसद के गेट पे जाके रुके या उसके अंदर जाए क्या आज दिल्ली पुलिस देश की सरकार के अंडर में वो कहती है कि ट्रैक्टर आज भी उस नई दिल्ली में नहीं आ सकता जब बड़े बड़ी गाड़ी आ सकते हैं तो बड़े बड़े वाहन आ सकते हैं तो किसान का ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता उसको अन्न को पैदा करने वाला वो साधन ट्रैक्टर है वो दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता मैं तो ये पूछता हूँ सरकार से इसलिए लेके आया मुझे दर्द इस बात का है कि इस देश की राजधानी इस देश के बहुमत लोगों को रोकने के लिए थोड़ी है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संसद बनी है उसके समस्याओं के समाधान के लिए सरकार बनी है और वो समाधान करने की बजाय उन पे ड्रोन से असर की गोले बरसाए सड़कें खोद दे कीले बिछाए ये और उसका ट्रैक्टर नहीं आ सके बाकी एक एक करोड़ की गाड़ियां आ सकती हैं, डेढ़ डेढ़ करोड़ की आ सकती है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता क्या ट्रैक्टर बम है तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप ट्रैक्टर लेके तेरह तो महीने तक बैठे हम आइडिया नहीं हमने बोगा इसको तेरह महीने तक न किसान को आने दिया न किसान के ट्रैक्टर को आने दिया तो आप अंदाजा कीजिए उनका गुना क्या था केवल किसान होना के अपना मांग मांगना आपने ये कहा कि जो फार्मर्स मूवमेंट है उसने उसका यह योगदान रहा कि मोदी जी का बिगेस्ट सेटबैक इस इलेक्शन में रहा बिल्कुल इनकी नीतियों का किसान आंदोलन का भी रहा अग्निवीर का भी रहा और सबसे बड़ा यह रहा कि जो वायदा इन्होंने किया चाहे किसान से किया चाहे जवान से किया किसान को हम एम देंगे उसकी जमीन छीनने के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए काले कानून लेके आए दो करोड़ को हर साल काम और नौकरी देने का वायदा किया और जवान जो फौज में जाता था उसको अग्निवीर बनाने का काम किया लेकिन ये काले कानून है जिनके कारण और विशेष तौर से अग्निवीर और ये किसान आंदोलन जिन्होंने शहादत दी तेरह महीने तक परेशानियां भोगी इनकी जलालत भोगी निश्चित रूप से उसका जो चार पार की बात कर रहे थे ए, वो पार भी नहीं हुए अब आप सांसद हो गए यू आर एन एम पी ना और ये जो आपने मुद्दे अभी उठाए हैं उनको पार्लियामेंट में आप कैसे उठाएंगे और आपकी स्ट्रेटेजी और मेकेनिज्म क्या रहेगा ये इंश्योर करने के लिए कि जो बातें सरकार ने अपने वादे नहीं पूरे किए उनकी तरफ सरकार जाए और आप उनको कैसे प्रेशराइज करेंगे कि वो वादे पूरे हों ये आप देखेंगे कि ये जो किसान आंदोलन है जो तमाम 500 से ज़्यादा किसान संगठन थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी को इस 10 साल में वही एक आंदोलन है जिसने तीन कदम पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया था और वही उसी से शिक्षा लेकर के जो इस देश के संविधान को देश के सरकार के वायदों को पूरा कराने के लिए वो तमाम दल इंडिया गठबंधन के रूप में आए जो आप देखेंगे चौदह और उन्नीस के चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता की संख्या भी ए, किसी भी दल के पास नहीं थी और आज मैं समझता हूँ कि दो सांसद उस इंडिया गठबंधन के चुन के आए हैं भिन्न भिन्न दल हैं भिन्न भिन्न झंडे हैं भिन्न भिन्न उनके नेता हैं लेकिन अहम एक ये है कि इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां और जो कुशासन में जो काले कानून बने उनके खिलाफ सड़क पे भी संघर्ष होगा और संसद में भी संघर्ष होगा और ये सब मिलके करेंगे जो है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित किया है, जबकि कई हजार करोड़ रुपया उन लोगों से वसूल कर लिया है जिनको ये बहुत बुरा कहते थे इनफैक्ट मेरा अगला प्रश्न सड़क पे आने की बात जो आपने कही आपने अर्लियर ये कहा था कि वी विल टेक द बैटल टू द स्ट्रीट एंडर दीज इन पार्लियामेंट कि हम सिर्फ संसद तक हमारी लड़ाई सीमित नहीं रहेगी पर हम सड़क पर उतरेंगे एज एन एम पी या सांसद होने के नाते क्या आप अभी भी उसको फॉलो करेंगे नहीं अभी किया है, मैंने तो रिजल्ट आने के पहले भी और रिजल्ट आने के बाद भी आप अंदाजा कीजिए चाहे सड़क कुछ लोगों को न्याय दिलाने का सवाल हो और चाहे जो लूट कर रहे हैं माफिया लूट कर रहे हैं टोल माफिया चार दिन से नेशनल हाईवे नंबर इक्यावन पे बैठे हुए थे उनके बीच में भी पाँच घंटे तक एज एम एमपी इलेक्ट होने के बाद में भी गर्मी में सड़क किनारे बिगर पंखे के अम्राम बैठा हुआ था और एक नहीं रिजल्ट आने के बाद पांच जगह बैठा हुआ था तो निश्चित रूप से सड़क पे भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे और वो लड़ाई ही जनता को दुश्मन और दोस्त की पहचान कराएगी कराई है और आगे भी कराएगी और जो जनता से वायदे करके वादा खिलाफ करेगा उसको संसद से सड़क पर लड़ने का काम भी करेगी और सत्ता से बाहर करने का काम भी करेगी राम जी अगर एक सांसद सड़क पे उतर आए तो संसद का महत्व क्या रह जाता है नहीं संसद का महत्व संसद का है और सड़क का महत्व सड़क का है तो ऐसा है कि संसद में वो आवाज जनता की नहीं रही इसलिए तो तेरा महीने सड़क पे लड़ना पड़ा ना पर अब तो आप संसद हो गए हैं नहीं सांसद हो गए लेकिन अभी भी निर्णय करने वाली संख्या नहीं है वो एनडीए के पास है वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले के पास नहीं है लेकिन एनडीए के पास है ना निर्णय तो वो करेंगे इसलिए संसद के अंदर भी उसी तरह से लड़ा जाएगा और जो सड़क पे लड़ रहे हैं उनकी आवाज बढ़कर के संसद में सांसद के रूप में भी लड़ेंगे इसलिए सड़क का भी उतना सड़क का सबसे ज्यादा महत्व तो है संसद आप, से ज्यादा संसद से ज्यादा इसलिए है कि देश की आजादी संसद के बहुमत से नहीं मिली है भारत देश की आजादी 15 अगस्त सैतालीस को इस संघर्ष से ही मिली है इस बलिदान से ही मिली है यह नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई भारत के लोग ज्यादा जीत के चले गए मेजोरिटी आ गई और सरकार बन गई आंदोलन के कारण ही गए और अंग्रेज और राजशाही भी समाप्त उस आंदोलन के कारण ही हुई है चाहे फिर पार्लियामेंट ने उसको कानून के रूप में दिया हो लेकिन अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए किसी वोट की ताकत का मैं समझता हूँ इस्तेमाल नहीं हुआ तो जो आप कह रहे हैं सड़क का महत्व संसद से ज्यादा है अगर मैंने ठीक समझा फिर आपने चुनाव क्यों लड़ा सुनाव इसलिए कि वो सड़क की बात देश की संसद के सामने जाए सत्ता तो वो चला रहे हैं आज ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण तो वो है क्योंकि जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है और वो लड़ती है जब दुश्मन और दोस्त की पहचान करती है तो वो बात जब तक वो जो चाहते हैं वो अगर चाड़े वाले लोग सत्ता में नहीं आते हैं जब तक मैं समझता हूँ सत्ता के गलियारों में संसद में उनकी संघर्ष की पीड़ा की बात उठाने के लिए संसद में जाना जरूरी तो आपको किस तरह डिस्क्राइब किया जाए एन एम पी द स्ट्रीट्स और एन एम पी हु रेज द वॉइस इन पार्लियामेंट ट्वॉइस दोनों दोनों मेरा जीवन में किया ही मैंने यही है मैं तिरानवे से 2013 हजार तेरह से बीस साल तक लगातार राजस्थान की विधानसभा में रहा हूं विधानसभा में भी लड़ा और सड़क पे भी लड़ा और मैं तो फक्र से कह सकता हूँ कि राम ने वो लड़ाइयाँ जो बड़े बड़े नेताओं ने राजस्थान के किसानों को धोखा दिया छियासी में बिजली का आंदोलन चला था बड़े बड़े नेता जो चीफ मिनिस्टर रहे थे मंत्री रहे थे वो सब उस आंदोलन में आए और किसानों को धोखा दिया जब एम नहीं था तेरह दिन और तीन दिन चक्का जाम करके एक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुका करके आठ हजार करोड़ रुपया पहली बार संघर्ष के बल पे राजस्थान में सड़क पे बैठ के जनता के साथ बैठ करके के सरकार को झुका के कर्जा माफ कराने का काम किया विधानसभा में मुझे आवाज उठाते हुए तीन तीन महीने के लिए सस्पेंड भी होना पड़ा है मुझे इस आंदोलन में कर्जा माफी में जेल में भी सेंट्रल जेल में रखा है और मेरे साथ साथ सात किसान नेताओं को रखा है लेकिन आखिरकार उनको आधी रात को बिगर सर छोड़ना भी पड़ा और कर्जा भी माफ करना तो ये कहना ठीक होगा कि आपको ज्यादा सड़कों पे देखा जाएगा और चक्का जाम करते हुए देखा जाएगा क्यों नहीं जब उनका हक नहीं मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों का कर सकते हो और किसान का कर्ज माफ करने से देश कंगाल हो जाएगा जो बगौड़े हो गए उनका कर्जा माफ कर रहे हैं तो देश छोड़ के भाग गए उनका कर्जा माफ कर रहे हैं जब तो देश विकास कर रहा है और अंधाता जो रोटी पैदा कर रहा है इनकी नीतियों से जो कर्जा हो गया उसका कर्जा माफ करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा मुझे समझ नहीं आता उनका तर्क आप स्टूडेंट मूवमेंट और स्टेट पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट है वहां से सेंटर और वो भी पार्लियामेंट में आना थोड़ा सा अपने इस राजनीतिक और गैर राजनीतिक यात्रा के बारे में बताए ऐसा राजनीतिक यात्रा मैं तो समझता हूँ मेरी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं संघर्षों की रही है संघर्ष की कि सड़क की संघर्ष कह दीजिए सड़क पे ही होता संघर्ष तो सबसे ज्यादा और वो उन वर्गों को चाहे विद्यार्थी को अपनी ताकत का एहसास कराने का सवाल था चाहे किसान को अपनी ताकत का एहसास मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि वो है क्योंकि तो जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है उसको अपनी ताकत का एहसास पार्लियामेंट जनता बनाती है सांसद जनता चुनती है कि सांसद या प्राइम मिनिस्टर जनता को बनाते हैं इसलिए सर्वोपरि सार्वभौम जनता है और वो उसको भ्रमित करने के लिए जिस तरह से मोदी जी ने पूरे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है और झूठ जिसको कहे मैं झूठ इसलिए कह रहा हूँ अगर दस साल में दो तो करोड़ नौकरी हर साल मिलती बीस करोड़ होती तो पैंतालीस साल का सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं होती हमारा इंटेलेक्चुअल आज भी देश छोड़ के जा रहा है इसलिए कि वो सुविधाएं उनको यहाँ नहीं मिल रही है इसलिए जा रहा है इसलिए निश्चित रूप से वो राजनीति चाहे स्टेट की की लेकिन ये तेरह महीने उस केंद्र सरकार के खिलाफ ही लड़े हैं और इसलिए देश की संसद में जाना क्योंकि देश की संसद में 140 करोड़ लोगों के लिए जो बजट उनके टैक्स से आता है उसका नब्बे प्रतिशत जनता पे खर्च हो या बड़े बड़े नेता और बड़े बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खर्च हो इसकी बहस भी देश की संसद में फैसला देश की संसद में होता है इसलिए वहां पहुंच के ये सब दो दर्द है जनता का वो निश्चित रूप से देश की संसद संघर्ष की आवाज संसद में चुनके जाके ही उठा सकते हो आप सड़क में कितना ही बड़ा करो लेकिन संसद में आवाज तो जो संसद चुनके जाएगा वो ही अंदर जा सकता है आज से पहले अमराराम संसद में नहीं जा सकता था लेकिन आज वहां खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी को खुला जो उसने वायदा किया और वायदा खिलाफी की उसको याद उनके आमने सामने दिला सकता है ना वरना तो नरेंद्र मोदी के सामने अमराराम को जाने नहीं देते तो नरेंद्र मोदी की तो बात छोड़ी है दिल्ली नहीं आने दे तेरह महीने तक हम तो कोई आतंकवादी नहीं थे इस देश का अंधा था और अभी अभी बैठे हैं इस चुनाव से पहले पंजाब का किसान अपनी समस्याएं जो इन्होंने लिख के दिया था उस पर बात करने के लिए आ रहे कि ढाई साल में आपने इसमें क्या प्रगति की है सड़कें खोद दी गई कीले रोप दी गई ड्रोन से के गोले बरसाए गए और शहीद हुए लोग और आज भी बैठे वो जब आपने संसद में शपथ ली तो आपके मन में क्या भाव था भाव यही था कि जो जनता ने सोचा था वो निश्चित रूप से उन्होंने पूरा किया इसलिए मेरा फर्ज है कि इस पांच साल तक मैं उनकी जो जिस आशा और विश्वास के साथ वोट का समर्थन दिया है और पूरे देश का जो आंदोलन किसानों का था वो संदेश और वो लड़ाई मैं निश्चित रूप से आखिरी दम तक लड़ता रहा आपने एक टू टर्म एमपी को हराया है यू डिफीटेड कितना टफ था ये इलेक्शन और हाउ डज इट फील टुडे? नहीं टफ मेरे लिए कुछ है ही नहीं मैंने इतने चुनाव लड़े हैं शायद राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने विधानसभा और लोकसभा के इतने चुनाव लड़े हों चुनाव में मेरे लिए नहीं लड़ता मैं जिस जनता के लिए किसान मजदूर नौजवान के लिए लड़ता हूँ जीत भी उनकी है और धार भी उनकी है वो जितना सहयोग तन से मन से धन से करते हैं चुनाव में लगाते हैं जीतते हैं तो वो जीतते हैं उनकी आवाज़ आगे बढ़ेगी हमारे मारवाड़ी में कहावत है बोले जी की खाए बाजरी भी की बजावा आ जाएगी बाकी पार्टियां अमानी अडानी के पैसे से चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद उनकी हाजरी बजाती है और अमरा राम जिनके बोर्ड से नोट से चुनाव लड़ता है उनकी हाजरी बजाता है चाहे विधानसभा हो चाहे पंचायत हो चाहे देश की संसद हो आपको अपने चुनाव में नोटों की कमी लगी कोई कमी नहीं जितना उन्होंने दिया उतना लगा दिया और मैं समझता हूँ जितना मैंने पार्लियामेंट में लगाया है उसका दस गुणा भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा के कॉन्स्टिट्युंसी में विधानसभा चुनाव में लगाती है तो इसे अंदाजा कर लीजिए कोई ही नहीं हो सकता सोच भी नहीं सकता खुद लोगों ने तन से 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 मन धन और पैदल दिया आपने इलेक्शन कैंपेन में लैंड राइट्स फार्म लोन वेवर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है ये मुद्दे अभी तक इनकम्प्लीट है और सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए एज एन एम कैसे आप इंश्योर करेंगे कि इनमें से एटलीस्ट पचास प्रतिशत वादे पूरे करने में सरकार पहला कदम उठाए बिल्कुल उठाना पड़ेगा मैं एमपी भी नहीं था फिर भी काले कानून जो उन्होंने स्थम्स मेजोरिटी से पास किया था बिगर चर्चा के पास किया था उनको चाहे तेरह महीने लगे लेकिन वापस लेना पड़ा है ना तो जो वायदे किए या तो वो पूरे करेंगे वरना हम सड़क पे आएंगे नहीं सड़क पे तो आएंगे ही आएंगे मैं कह रहा हूँ जनता उनको जो शीर्ष पे बैठे हैं उसे सड़क पे भी लेने का काम करे Mr Amraram, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being here with us. Thank you.